हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको राखी मेकिंग सिखा रही हूँ और मैं आज के वीडियो में तीन टाइप की राखी मैं सिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में आप सबको लिखना है हैशटैग राखी। और मैं बहुत सारे नए नए वीडियोस लेके आने वाली हूँ राखी मेकिंग के, बट आज के लिए सिर्फ तीन वीडियो ही मैं लेके आई हूँ, मतलब तीन राखी ही। और अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक छोड़ रही हूँ। वो ग्रुप किसके लिए है वो मैं बता देती हूँ। अगर आपको ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स करना है, ज्वेलरी सीखनी है, प्लस बिजनेस कैसे करना है वो सीखना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की है, तो उसको क्लिक करिए और ज्वाइन करिए। वहां से आपको फ्री वेबिनार ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, प्लस मुझसे अगर आपको बात करनी है तो भी मिलेगा। सो या क्लिक करिए और ज्वाइन कीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली राखी मैं आपको सिंपल राखी सिखा रही हूँ। ये दोरा मैं किस तरह से लगा रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। ये जो लारियातार आता है उसके अंदर मैंने दोरी डाली और इस तरह से हम इसको गांठ बांधेंगे। आप सिंपल वे से भी गांठ बांध सकते हो, कोई ऐसे मैंने लगाई है वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सिंपल लगता है तो इस तरह से लगा सकते हो, बट मैं लारियातार से ही लगाती हूँ। ये सिंपल तरीके से मैंने लगाई तो इस तरह से गांठ बांधनी है। ये सिंपल वाली राखी है इसलिए ये इसमें मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। अभी हम भाभी राखी बनाएंगे, वो भी जो लुम्बा राखी होती है वही बना रहे हैं। तो ये पहले आई पिन ली, उसके अंदर कैप डाली, मोती डाली, फिर से कैप डालना है और ये जो रिंग आती है वो रेडीमेड ही आती है, उसको भी डाल देना है और उसको कट करके उसको फोल्ड कर देना है और थोड़ा खोल देना है क्योंकि मैं नीचे डूल लगा रही हूँ, क्योंकि ये लुम्बा राखी है तो डूल लगाना है। तो ये डूल लगाने के बाद इसको बंद करेंगे और ये हो गया। अभी दोरी जो है धागा उसके अंदर ये डाल देना है, उसको गांठ बांध देनी है। तो ये सिंपल वाली राखी रेडी हो गई है हमारी। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी दिख रही है। ये आप अच्छे से 40 रुपये 50 रुपये में भी सेल कर सकते हो। तो ये मैं दूसरी हैवी राखी है, थोड़ी हैवी है, इसमें मैं दोरी में लारियातार लगाया है। लारियातार की हेल्प से मैं मोती डाल रही हूँ, उसके बाद ये वाला पेंडेंट डाल रही हूँ और फिर से मोती डाल रही हूँ। तो ये भाई के लिए राखी है और ये इसको कट कर देना है। एक ही लारियातार आपको बार बार यूज़ कर सकते हो। दोनों तरफ हमें गांठ बांध देनी है इस तरह से। अभी हम भाभी राखी बनाएंगे। ये मैं थोड़ी फंकी टाइप की जो राखी होती है वो बना रही हूँ। तो गंठन माला और गोल्डन चेन को मैंने इस तरह से ब्रेसलेट जैसे हम बनाते वैसे बना दिया। अभी मैं कड़ी ले रही हूँ। कड़ी में ये चाम रेडीमेड आते हैं तो ये मैं ऐसे मैं कोई नाप लेके नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही लगा देना है। तो ये लगाने के बाद हम लोग फिर से एक आई पिन लेंगे, उसमें एक बिट डालना है, उसको कट करके फोल्ड करना है और मैं जो आंकड़ा होता है उसके अंदर डाल रही हूँ। कहीं पे भी आपको जहाँ लगाना हो वहाँ पर लगाइए। अभी दूसरी आई पिन ले रही हूँ। ये जो मेन हमारा पेंडेंट है वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आंकड़ा में, लास्ट होल में लगा रही हूँ ये वाला। अभी ये एक चाम मैं और लगा रही हूँ तो इसके लिए मैं कड़ी ले रही हूँ और आंकड़ा में लगाने के बाद इसको इसके अंदर लगा देना है। तो ये बनाना एकदम सिंपल वे से बनाने है और ये बहुत ही अच्छी और प्यारी बनी थी। तो ये आप इजीली 150-200 रुपये में सेल कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ ये मैं लारियातार ले रही हूँ। लारियातार का जो दो पॉइंट होते हैं वो कट करने हैं, इसको यू शेप में फोल्ड कर देना है और उसके अंदर धागा जो होता है वो लगा देना है और आगे जो पार्ट होता है वो ओपन होता है तो उसको थोड़ा फोल्ड कर देंगे तो ऐसा सीधा हो जाएगा, तो मोती और ये सब लगाने में इजी रहेगा। तो इसके अंदर हमें मोती डाल देना है दोरी के अंदर, उसके बाद ये हैवी मोती मैं डाल रही हूँ और फिर से गोल्डन वाला बेड लगा देंगे और सिंपल हम लोग दोनों साइड पे गांठ बांध देंगे। आप लारिया की जगह पे आपको सुई धागा अगर अच्छा लगता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अभी यहाँ पे दोनों साइड मैं यहाँ पे गांठ बांध रही हूँ। और हाँ, दोरी जो है धागा एकदम प्रॉपर साइज़ का रखिए क्योंकि छोटा ना पड़ जाए, क्योंकि मेंस जो होते हैं उनका हाथ थोड़ा मोटा होता है इसी वजह से। अभी भाभी राखी बना रहे हैं हम लोग। तो आई पिन के अंदर ये पेंडेंट डालेंगे
इसको कट करके फोल्ड कर देंगे। सिंपल मेथड जो हमें फोल्डिंग करते हैं वही यूज़ करना है। यहाँ पे दूसरी आई पिन लेंगे, यहाँ पे गोल्डन जो बीड है उसको हम कट करके फोल्ड कर देंगे। और ये सिमिलरली हम दो बीड्स लेंगे तो दोनों बीड को इस बीड के आजू बाजू लगा देंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा खोलेंगे। और ये वाली चेन रेडीमेड आती है तो इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये भी सिंपली एकदम जल्दी से बनने वाली राखी है, इसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हो। तो ये वाली भी राखी आप बना के सेल करते हो तो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक आप इजीली सेल कर सकते हो और अच्छा बेनिफिट मिल सकता है आपको।